आप सुने तो दिस वाज़ द टू डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स दैट वी सॉल्व सिंबॉलिकली हो रहे। लेकिन अगर आप लोग बातें नहीं करेंगे तो सिर्फ मेरी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी, वरना शोर होगा, बीच में निकलेगा कुछ भी। ये सुने नॉन स्टॉप, फिर बाद में बातें करें, क्वेश्चन पूछें। फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स वी ब्रॉड इन हियर, वी टर्न इट इनटू अ मैटलैब फंक्शन, सिंपल। एंड मैटलैब फंक्शन को हम क्यू पास करेंगे, क्यू इज अ ज्वाइंट वेरिएबल, इसको कह दें इधर कि भाई क्यू इज अ इज ए टू बाई वन कॉलम वैक्टर रिप्रेजेंटिंग ज्वाइंट एंगल्स, ठीक है। और टू डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लेनर आर्म है ये, प्लेनर आर्म किस प्लेन में पड़ा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में। कौन से एक्स वाई में, एक्स नॉट वाई नॉट में, वो मैंने ड्रॉ किया हुआ। अब जनाब फॉरवर्ड काइनेमेटिक इज रेडी। नाउ नेक्स्ट स्टेप, मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप लोग जाके सिमुलिंक ब्लॉक बनाएं, जिसमें से आप, अब जैसे मैटलैब में मैंने इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं ना, तो लेट से ये मेरा क्यू है डिग्री टू रेडियंस, इसको दो एंगल्स में दे रहा हूं, 45 कॉमा सेमी कॉलन 45, और कॉल कर रहा हूं आर कॉमा पी एफ के अंडरस्कोर टू क्यू। अब ये काम मैं, अच्छा ये मुझे रोटेशन मैट्रिक्स रिटर्न करता है। आप इधर हेल्प में लिख भी सकते हैं कि भाई दिस फंक्शन विल रिटर्न आर आर ऑफ फ्रेम टू इन जीरो और पी इन जीरो पोजिशन वेक्टर। वेट, ओके, अच्छा एक मिनट, तो ये कार्टेशियन पोजिशन है और ये ओरिएंटेशन है, ठीक है। दिस शुड बी वेल कमेंटेड जी, ऊपर ये वाला तो आपने कैलकुलेट कर कर लिया होगा ना। ये मैं सिर्फ वो क्यू से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, थीटा वन उसमें टॉप पे होगा, थीटा टू सेकंड पे होगा। देखो ये फाइल तो बस मैं दे दूंगा तो आप लोगों का तो काम खत्म हो जाएगा ना, यही तो सारा मसला है। क्या निकाल, ये तो सिंबॉलिक मैथ से आ गया ना, आप लोगों के सिंबॉलिक मैथ पे तो आप शक नहीं करेंगे ना, वो तो ऑलरेडी लास्ट लैब में हम कर चुके हैं। जब तक आपको ये वैल्यू नहीं मिलती ना, इट्स अ टेस्ट केस। 45 45 के लिए पोजीशन ये आना चाहिए, ओरिएंटेशन ये आनी चाहिए, तो आगे ना जाए। इसका मतलब है आपकी गलती हुई है, ये सिंबॉलिक जो आपने कैलकुलेट किया है ना, ये जो मैंने इधर कैलकुलेट किया था, ये पार्ट, इसका मतलब है आपकी गलती यहाँ पे है। और ये फाइल मैं आपको दे चुका हूँ, ये इधर पड़ा हुआ है, ये वेब गूगल क्लासरूम में भी पड़ा हुआ है। इसको सिर्फ आपने थीटा वन सिंबॉलिक मैंने इधर डिफाइन किया हुआ है सिम्स के साथ, थीटा टू सिंबॉलिक भी मैंने डिफाइन किया हुआ है, ए वन भी किया हुआ है, ए टू भी किया, और बाकी भी बड़ी गैर जरूरी चीजें हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए इस लैब में। लेकिन मुझे पता है कि मैं हमेशा 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट तक जा सकता हूँ, तो एहतियातन मैंने बहुत सारी चीजें डिफाइन की हुई, ठीक है। और ए वन इस तरह कैलकुलेट किया, मैं चाहूं तो ए वन की जगह इधर वन भी दे दूं, कांस्टेंट है ना, वन वन मीटर लेंथ है उसकी, और ये ए टू भी वन है। लेकिन बस खैर है, मैंने ये काम इधर किया हुआ, एक ही बात, या उधर करें या इधर करें, इट्स द सेम थिंग। इसने मुझे ए वन ए टू को मल्टीप्लाई किया, आई गॉट टी टू इन जीरो, फिर इसको 4 डिजिट प्रिसीजन के साथ, वेरिएबल प्रिसीजन एरिथमेटिक, कि मुझे जरा सिंपल फॉर्म में दें, बल्कि मैंने इसको सिंप्लीफाई भी नहीं किया, सिंप्लीफाई करना था, बट अल्टीमेटली व्हेन आई रन दिस, आई गेट दिस सिंबॉलिक टी टू इन जीरो। ये टी टू इन जीरो यहां से उठा के मैंने इधर पेस्ट कर लिया नीचे इधर,
सिंपल ये वाले तीन स्क्वायर ब्रैकेट्स हटा दिए, क्योंकि मैटलैब हर रो को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करता है। मतलब हमें तो पूरे मैट्रिक्स को ओपनिंग स्क्वायर और क्लोजिंग स्क्वायर, बाकी ये हर रो वाले स्टार्ट में और एंड में आपने डिलीट कर देने। ये मैंने ऑलरेडी नोटपैड में इधर किया, फिर कॉपी करके उधर स्क्रिप्ट में पेस्ट किया, ठीक है? तो ब्रैकेट ज्यादा हो गए होंगे तो इसलिए आपका एरर दे रहा होगा, वरना बाकी तो मुझे कोई ऐसी चीज उसमें नहीं लग सकती कि जिसकी वजह से आपको एरर मिले। अब काम क्या करना है, इस मैटलैब फंक्शन को आई ट्रस्टेड, इट्स वर्किंग फाइन, इट्स वर्किंग परफेक्ट, मैं इसको सिमुलिंक ब्लॉक के पीछे एम्बेड करना चाहता हूं। आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, आई डिड इट लास्ट टाइम, आई वोंट बी डूइंग इट द थर्ड टाइम। तो उसके लिए मैंने आई ओपन सिमुलिंक, ठीक है, और ब्लैंक मॉडल क्रिएट करें और इसमें अब आपको चाहिए जी लाइब्रेरी में जाएं, जहां से हम ये ब्लॉक्स की लाइब्रेरी है, यहां पे सिमुलिंक के सारे ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, जितनी भी टूल बॉक्सेस हैं, चाहे फाइनेंस के हैं, चाहे कंट्रोल के हैं पीआईडी, चाहे स्टेटिस्टिक्स के हैं, चाहे इमेज प्रोसेसिंग के हैं, चाहे एरोस्पेस के हैं, ऑडियो प्रोसेसिंग के हैं, देयर इज अ हेल लॉट, डीएसपी के हैं, फजी के हैं, दिस इज लाइक ह्यूज, दैट्स व्हाई मैटलैब इज इंजीनियर्स ओनली टूल दैट कैन गारंटी यू सर्वाइवल इन द फील्ड, ठीक है? क्योंकि आप ये साइंटिफिक कंप्यूटिंग जब तक आप वेरीफाई और सॉल्व नहीं करेंगे, सारी चीजें आजकल हाथ से करना इम्पॉसिबल। इवन अगर आप पाइथन में भी करते हैं तो आई पर्सनली मेरे स्टाइल में पहले मैटलैब में कर लेता हूँ एंड देन आई हैव द कॉन्फिडेंस कि आउटपुट क्या आना है, उधर फिर पाइथन में, एंड देयर इज अ हेल्प इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द टू, ठीक है, सिंटैक्स वाइज। तो इधर से ब्लॉक ले आए, अब मैं लोकेट करूं ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस में मैटलैब फंक्शन, फंक्शन ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, अच्छा, मैटलैब फंक्शन को अब मैं इसको रीनेम करें, इस पर डबल क्लिक करके इट ब्रिंग्स यू हियर, ठीक है? तो इसको हम मॉडिफाई कर, वो पिछला सारा जो कोड है ना, अगर वो मैं इधर पेस्ट कर दूं लेट्स से, तो लेट्स से ये मांगेगा, रिटर्न करेगा दो चीजें और एक आर्ग्यूमेंट लेगा एक चीज, लेकिन वो एक चीज वेक्टर है, याद रखें 2x1 वेक्टर है। तो ये सिमुलिंक को बताना होता है, सिमुलिंक एरो को, अब हमें तो एक मिनट, अच्छा ये सिमुलिंक ब्लॉक में सेव कर रहा हूं, इसको मैं नाम दे दूंगा फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स ऑफ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिम, थैंक यू। क्या गुड, ये रिटर्न वाले, ये स्क्वायर में मैं वो एम्प्टी छोड़ दूं तो फिर आगे फिल कर लेगा, लेकिन इसको कैसे पता चलेगा कि मैं रिटर्न क्या कर रहा हूं, रिटर्न बताना, चलो लेट्स गो ऐसे जाते, ठीक। अब ये देखें, जैसे मैंने उधर फंक्शन पेस्ट किया तो मैटलैब को देखो, इसने आउटपुट को आर कह दिया, दो आउटपुट है ना उधर, आर और पी, और इनपुट में क्या है, क्यू, दैट्स इट। अब आपने एक और ब्लॉक लाना है जो इसको क्या असाइन करे, क्यू एंगल जॉइंट वेरिएबल्स, तो उसके लिए फिर आप जाएं जी इधर कॉन्स्टेंट ब्लॉक उठाएं, ये सोर्सेस में आता है क्योंकि ये चीज सोर्स करता है ना, और वो क्यू को दे दें, और उसमें मैंने आपको कहा है कि भाई 45 सेमी कॉलन 45, और ये याद रखना है, इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब अगर इस कॉन्स्टेंट को आप एक्सपेंड कर लें तो लुक्स लाइक दिस,
ये वैल्यू सिमुलिंक लेके इस ब्लॉक को दे रहे हैं, लेकिन पीछे असल में ये उस फंक्शन को जा रही है जो कि हम कमांड लाइन से कर रहे थे ना, अब वो सिमुलिंक में कर रहे हैं। इट्स द सेम थिंग बट इट गिव्स अस अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल कि कल को फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स का ब्लॉक अदर होगा, इनवर्ड्स का अदर होगा, कंट्रोल का अदर होगा, एंड देन व्हेन वी ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर द होल रोबोटिक सिस्टम विल बी सिमुलेटेड। ठीक है, और यहां से मैं आर को किधर भेजूं, आपको क्या लगता है, इधर डिस्प्ले करूं कि वर्कस्पेस पे भेज दूं? वर्कस्पेस पे। तो वर्कस्पेस पे भेजने के लिए आप फिर लाइब्रेरी में जाएंगे, इस वक्त आप सिंक में देखेंगे, सिंक उसमें चीजें जाके गिर रही है ना, तो सिंक में डिस्प्ले भी कर सकते हैं, लेकिन लेट्स टेक इट टू द सिम आउट। सिम आउट गिव्स इट टू व्हाट, अब इसको मल्टीप्लेक्स करना पड़ेगा ना, तो वो मक्स क्या करता है, असल में दो वैल्यू को मैं एक ब्लॉक को देना चाह रहा हूं, दो वैल्यूज आ रही हैं, दो एरोस, तो उसके लिए ब्लॉक है मक्स। इनपुट पे मैंने क्यू दिया हुआ है, क्यू अगर आप चाहे ना कि इधर मैं क्यू नहीं देना चाहता, क्यू आप वर्कस्पेस से भी उठा सकते हैं। तो सिमुलिंक ऐसे भी काम करता है कि ब्लॉक इधर रन हो, चीजें उठाए भी वर्कस्पेस से और दे भी वर्कस्पेस, तो फिर मुझे सोर्सेज में ये कहना पड़ेगा फ्रॉम वर्कस्पेस, ये सिम इन, ये भी कर लेंगे फिलहाल, लेट्स कीप इट लाइक दिस। अब जब मैं इसको रन करूंगा, लेट्स से आई जस्ट रन इट फॉर 2 सेकंड और जो भी है, क्योंकि एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंट, इट्स कंपाइलिंग इट बिकॉज सिमुलिंक। अच्छा, इसमें मसला है कि भाई एरर इन पोर्ट विड्थ और डायमेंशन पोर्ट वन ऑफ दिस इज, अच्छा ये दो चीजों को अब मक्स करते वक्त कंफ्यूज हो गए कि भाई एक 3x3 मैट्रिक्स है और दूसरा 3 वेक्टर है, तो मैं उन दोनों को कैसे वो करूं, तो उसके लिए फिर फिलहाल ये हल है कि लेट्स गिव द पोजीशन ओनली फर्स्ट और हम बाद में हैंडल करते हैं, लेट्स रन इट। अब ये रन हो गया, अब मुझे वर्कस्पेस में ये ऑब्जेक्ट मिलेगा आउट डॉट सिम आउट, तो ये पैदा करें इधर, आउट डॉट सिम आउट, इसको कह दें हु का नहीं देता तो किस किस से देगा, व्हाट, अच्छा नॉट फाउंड, तो इसका मतलब है इसने वो, अच्छा आउट के, सॉरी आउट के नाम से, सिर्फ आउट, तो हु आउट, योर वेरिएबल्स आर आउट, व्हाट इज आउट, अच्छा आउट नॉट फाउंड, चले सिर्फ आउट और निकल आया। अब इससे अपनी चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है, हमें पता है कि इसमें पी पड़ा हुआ है कहीं, है कि नहीं, क्योंकि एरो ने इसके हवाले किया था ना पी, अब उससे निकालना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसने बहुत सारी चीजें उस एक ब्लॉक ऑब्जेक्ट में स्टोर करनी, बट नो वरीज, व्हाट डू यू थिंक वेयर इट शुड बी, इट शुड बी ऑन इन सिम आउट, तो मैं लिख लूंगा आउट डॉट सिम आउट, अब उसके अंदर फिर एक दुनिया है, तो आपको क्या लगता है कि हमारा डेटा किधर पड़ा हुआ है, डेटा में, तो आप लिख दें आउट डॉट सिम आउट डॉट डेटा ये, लेकिन ये कितनी बार दिया आपको इसने, 51, तो ये तो काम ना हुआ ना फिर, तो ये सिमुलिंक को कहना पड़ेगा कि भाई आप मुझे एक बार दें,
अच्छा एक मिनट, अच्छा अगर मैं कांस्टेंट में इसको सिंक करूं, डिस्प्ले कर लूं, चलो तो अब ये डिस्प्ले वाला भी फिलहाल आपसे चलेगा, बाकी हम वो मसला बाद में सॉल्व कर लें। अब ये इसने क्या कर लिया, इट्स गिविंग मी, इट डिस्प्लेइंग मी द आउटपुट, ठीक है। अब मजे की बात ये होगी कि इधर से मैं 10 वैल्यूज दे दूं और 10 के अगेंस्ट मुझे इधर 10 वैल्यूज डिस्प्ले, और कल को रोबोटिक टूलबॉक्स को यूज करते हुए मैं वो 10 उधर भेज दूं 2dfreedom.plot for those who plot के, so for that we will be able to see this, ठीक है। अब आपके मासूम चेहरे मजीद मुतहम्मल नहीं हो सकते इलम के, जी एक मिनट, अच्छा वो रिकॉर्डिंग तो कहीं गायब ही होगी, मैं एक मिनट इसको रोकता हूँ, तो हैंग ही होगी। अच्छा मजा होगा, ये यही मसला होता है अक्सर, मैं रिकॉर्डिंग चला लेता हूँ कंप्यूटर हैंग में, वो मेरा सॉफ्टवेयर समझ नहीं आई इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, वो ऐसा वाला नहीं है, ठीक है। तो यू मस्ट हैव सम अदर गुड वन, अभी इसने मैटलैब को भी, व्हाट इज दैट स्क्रीन रिकॉर्ड, बेस्ट वन इज कैमटेसिया बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव, अच्छा सिर्फ मेरा माउस काम नहीं कर रहा, बाकी एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। अच्छा माउस पैड मेरा लॉक हो गया, ओह थैंक यू। ये जी आप क्वेश्चन पूछें।